हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, खास करके सीएमए इंटर और सी इंटर और सीएस के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग गौर से ही एक इस क्लास को देखें। देखिए, वैल्यूएशन पढ़ने से पहले कुछ हमें टर्म समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जबकि हमें कुछ टर्म को याद भी रखना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। ठीक है, देखिए असेसेबल वैल्यू एक वर्ड है, उसको उसका कैलकुलेशन कैसा है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद में आपको SWS, और उसके बाद में आपको IGST, कॉम्पनसेशन सेस, ये कुछ टर्म है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन कैलकुलेशन से पहले मैं आपको बहुत बार लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ये सब कुछ आपको बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला, वैल्यूएशन करने से पहले हमको छोटा सा कैलकुलेशन देखना है। दे चुका है यहाँ पर असेसेबल वैल्यू। ये असेसेबल वैल्यू तो यहाँ पर मेरे इस क्वेश्चन में दे चुका है, असेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि असेसेबल वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में ₹100, और बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया है 10%, IGST 12%, SWS 10%, कॉम्पनसेशन सेस 10% दे चुका है। तो यहाँ पर बोला है कि टोटल ड्यूटी निकालने के लिए कि कितना हमें गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द ड्यूटी वुड बी एज बिलो। तो कैलकुलेशन दिया है, सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पर निकलेगा, असेसेबल वैल्यू जितना दिया है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा 10%। बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ दिया है 10%, तो असेसेबल वैल्यू कितना, 100 दिया है, तो 100 के ऊपर में 10% चार्ज होगा, कितना, 10 रुपीज़। ठीक है, SWS जो है ये BCD जितना निकला उस पर चार्ज होगा, BCD का 10, SWS कितना परसेंट था, 10%, 10 का 10% कितना हुआ, ₹1। IGST कितना निकलेगा, असेसेबल वैल्यू प्लस BCD प्लस SWS, ये तीनों को ऐड कर उस पर IGST चार्ज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि 100, 10 और 1 कितना हुआ, 111, 111 के ऊपर 12% चार्ज कर देना है, बस ख़त्म हो गया। उसके बाद कंपनसेशन सेस, ठीक है, कंपनसेशन सेस ये भी जैसा IGST निकला वैसी कंपनसेशन सेस भी कैलकुलेशन होगा, कैसे, असेसेबल वैल्यू प्लस BCD जितना अमाउंट निकला प्लस SWS जितना अमाउंट निकला, कितना, 111 पर 10% चार्ज कर देना है 11.1। ठीक है, तो टोटल ड्यूटी सब ऐड कर देना है। ठीक है, ड्यूटी सब ऐड कर देना है, तो जितना निकला 35.42 टोटल ड्यूटी। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हम लोग को अभी कैलकुलेशन सीखना है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू अगर हम कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो उसके बाद ये आसान है, ये खाली ये जो है इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, BCD कितना दिया है, IGST कितना है, SWS, बस ऐसे कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। बस हमें ओनली असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है। वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स में असेसेबल वैल्यू हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए असेसेबल वैल्यू अभी देखते हैं। ठीक है, तो असेसेबल वैल्यू देखने से पहले मैं आपको तीन कंसेप्ट ही बोलूँगा, फ्रेट के ऊपर 2 है और इंश्योरेंस के ऊपर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो माल इंपोर्ट हम किए हैं, ठीक है, तो वो फ्लाइट से किए हैं या मैंने सी से किए हैं, मैंने वेसल से किए हैं। ठीक है, तो बाय एयर या बाय सी किए हैं, अगर बाय एयर किए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया होगा कि बाय एयर मतलब बाय फ्लाइट में हमारा कुरियर आया है, या हमारा माल जो आया है इंपोर्ट किए हैं वो बाय एयर है या बाय सी है, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं हुआ होगा। तो हमें फ्रेट कैसे निकालना होगा, अगर बाय एयर दिया है तो, अगर बाय एयर, अगर जब फ्रेट गिवन है या फ्रेट नॉट गिवन है। ठीक है, अगर फ्रेट गिवन है तो हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल एयर फ्रेट, एक्चुअल फ्रेट कितना है, और 20% ऑन FOB पर 20% देखना है। ठीक है,
एफ ओ बी पर 20%, विच एवर इज लेस। एफ ओ बी भी कैलकुलेशन अभी हम सीखेंगे, एफ ओ बी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखना, अगर एयर फ्रेट, अगर एयर फ्रेट में कैलकुलेशन हम कैसा करें, अगर माल एयर पे इंपोर्ट करते हैं तो फ्रेट चार्जेस, फ्रेट जो वहाँ चार्ज किया जाएगा तो कैसा, ठीक है। तो फ्रेट हम लोग जो एफ ओ बी पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो फ्रेट ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कितना अमाउंट लेना है, क्वेश्चन अगर गिवन है या नॉट गिवन है। अगर क्वेश्चन गिवन है तो एक्चुअल एयर फ्रेट कितना क्वेश्चन में दिया है, और 20% और 20% ऑन एफ ओ बी विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा वही फ्रेट ऐड करना है, ठीक है। अगर नॉट गिवन है तो 20% ऑन एफ ओ बी लेना है, बस काम खत्म। अगर सी में है, गिवन है, तो एक्चुअल फ्रेट लेना है, यहाँ बस डिफरेंस यही है, सी और एयर में डिफरेंस यही है। अगर गिवन है एयर में तो एक्चुअल और 20% ऑन एफ ओ बी, अगर सी में है गिवन है तो एक्चुअल एयर फ्रेट, ठीक है। अगर नॉट गिवन है तो सेम है, 20% ऑन एफ ओ बी, बस काम खत्म। इंश्योरेंस के बारे में वही बोलता है कि अगर गिवन है या नॉट गिवन है, ठीक है। अगर गिवन है तो एक्चुअल लेना है, नॉट गिवन है तो 1.125% ऑन एफ ओ बी, ठीक है, 1.12% ऑन एफ ओ बी लेना है, बस काम खत्म है। तो सबसे पहला देखना है कि एयर फ्रेट क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो क्या करना है, एक्चुअल फ्रेट और 20% ऑन एफ ओ बी, विच एवर इज लेस, ठीक है। नॉट गिवन है तो 20% ऑन एफ ओ बी, काम खत्म। सी में क्या है, गिवन है तो एक्चुअल ले लेना है, नहीं है तो 20% ऑन एफ ओ बी लेना है। इंश्योरेंस में क्या है, गिवन है या नॉट गिवन है, अगर गिवन है एक्चुअल लेना है, नॉट गिवन है 1.125% ऑन एफ ओ बी का ले लेना है, बस काम खत्म है, ठीक है। तो उसके बाद देखना है कि कैलकुलेशन कैसा होता है, इसके अंदर भी हमारा एफ ओ बी भी आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट भी हो जाएगा। कॉम्पिटिशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, हम लोग को अभी असेसेबल वैल्यू फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, गुड्स इम्पोर्ट जो करते हैं उसका असेसेबल वैल्यू हमको निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात यह है, जब मैं चाइना से माल खरीदूँगा, ठीक है, जब मैं चाइना से ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ से अगर माल आता है, मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर माल मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होकर माल यहाँ पर धरा हुआ है, देखिए चाइना है, इंडिया है, यहाँ से मैं माल इंपोर्ट करता हूँ, ये कंपनी है जिसमें माल धरा हुआ है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा तो यही माल धरा हुआ है, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं पूछूंगा क्या है ना, मैं बोलूंगा कि तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए ना, हमारे पास 1,00,000 पीसेस कैलकुलेटर ऑलरेडी स्टॉक है ना, ठीक है, तो कितना रुपया, वो बोला कि 5 रुपया, ठीक है। मैं बोला बहुत खुश हो गया, 5 रुपया, तो भाई तो मेरा लेकर लोड करके लेकर पोर्ट पे अनलोड कर देना, तो वहाँ पर फिर मैं शिप में लोड करना है। तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं नहीं ब्रो, वो बोलेगा कि एक्चुअली हम लोग का यहीं जो पड़ा हुआ है माल उसी का दाम 5 रुपया है, अगर हम उठाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, अगर आप उठा के लेते हैं तो बात अलग है, हम उठाएं तो उसका चार्ज अलग होगा। तो वहीं जो पड़ा हुआ है ₹5 है तो उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। उसके बाद में लोडिंग है, उसके बाद में कैरेज है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अनलोडिंग है, फिर यहाँ जो एक्सपोर्टर के पोर्ट में फिर लोडिंग है जा शिप पे, ठीक है, तो वो सब भी कुछ कॉस्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे अभी। देखिए, वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स फैक्ट्री प्राइस लिखना है, ठीक है, पुट करना है, तो उसके बाद में क्या है, कैरेज है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर कंट्री, वो ऐड करना है। उसके बाद क्या है, चार्जेस फॉर लोडिंग ऑन टू द शिप इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, एक्सपोर्टर कंट्री में हम जो माल लोड करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है ₹5 जो कैलकुलेटर का है वो लिख देना है, उसका कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, जो हम लोग चाइना के पोर्ट तक जो लेने का है तो उसको भी लिख देना है। उसके बाद में वो चाइना के पोर्ट से जहाज़ पे जो माल लोड होता है तो वो भी लिख देना है, बस ये तीन ही चीज़ लिखना है, उसको बोलेंगे एफ ओ बी प्राइस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एफ ओ बी प्राइस। उसके बाद में क्या होगा, इफ़ नॉट इंक्लूड इन द एबव, अगर कुछ कुछ आइटम दिया है अगर वो इंक्लूड नहीं है तो उसको इंक्लूड करना है, क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ठीक है,
कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन जितना सेलिंग कमीशन है ठीक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज वो ऐड करना है। पैकिंग कॉस्ट एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग ठीक है, जो हैवी स्ट्रॉन्ग बॉक्स में जो पैकिंग होकर आता है, जो यूज होता है वो बॉक्स सब ठीक है, या ऐसा पैकिंग होता है जो हम यहाँ पर गुड्स ऑनलोड करने के बाद फिर से उनका वो लोग का पैकिंग उनको वापस कर देते हैं ठीक है। रिटर्नेबल पैकिंग जो होता है उसको छोड़कर, और जो नॉर्मल पैकिंग होता है ठीक है, जो कागज़ में वगैरह में ठीक है, तो वो पैकिंग का कॉस्ट को ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड प्लान और स्केचेस अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, अगर जब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और प्लान स्केचेस अगर आउटसाइड इंडिया में, चाइना में ऐसा कुछ होता है इसके लिए, हमारे इम्पोर्ट के लिए ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो वो ऐड करना है। रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी वो भी ऐड करना है। वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रिसेल इफ़ पेबल टू फॉरेन सप्लायर, अगर फॉरेन सप्लायर पे करता है ऐड करना है। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है, अगर जब बायर अगर जब कुछ मटेरियल सप्लाई करता है ठीक है, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ मटेरियल देता है, दैट मीन्स इसमें क्यों होता ऐसा हुआ कि अगर ये ऐसा करेगा, मैं बोलेगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मटेरियल देता हूँ ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं मटेरियल तो तुझे दूंगा, इंडिया का सामना सब ये है ठीक है, तो अगर इंपोर्टर इंडिया का है वो बोलेगा कि मैं कुछ मटेरियल देता हूँ तो उससे प्रोडक्ट बना के मुझे दे दे ठीक है, तो वो मटेरियल का कॉस्ट भी ऐड करना है ठीक है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज ले लिया तो बात अलग है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में तो ऐड होगा। तो एफ ओ बी वैल्यू आज पर कस्टम ड्यूटी टोटल ऐड कर देना है ठीक है। उसके बाद में है कॉस्ट ऑफ फ्रेट, फ्रेट अभी मैं जो बोल चुका हूँ, फ्रेट शिप डिमरेज चार्जेस लाइटेज और बार चार्जेस ऐड करना है। इंश्योरेंस भी अभी बोल चुका हूँ वो उसको ऐड करना है। लास्ट में CIF या असेसेबल वैल्यू निकल चुका आपका ठीक है। तो देखिए तो और एक बार हम देख लेते हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, हमको असेसेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, मैं अभी बोला था कि असेसेबल वैल्यू अगर निकल जाता है तो उससे बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, उसके बाद SWS चार्ज होगा, उसके बाद IGST चार्ज होगा, उससे कंपनसेशन से चार्ज होगा, बस होने के बाद टोटल ड्यूटी हमारा निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि असेसेबल वैल्यू हमको निकालना है ठीक है। असेसेबल वैल्यू का अपने कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो फैक्ट्री पे माल पड़ा था चाइना में, अभी मैं बोला था ₹5 वो ऐड करना है। उसके बाद वहाँ से कैरेज है, फ्रेड है, इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो चाइना के जो पोर्ट तक हम लाएंगे माल, तो उस सब का कैरेज फेरेज सबको ऐड करना है। उसके बाद चार्जेस फॉर लोडिंग, जहाज़ पे जो चाइना में माल लोड होता है इंडिया को लाने के लिए, उसको ऐड करना है ठीक है। उसके बाद में क्या ऐड करना है, ये हो जाने बाद FOB निकल गया ठीक है, जो FOB हम लोग पढ़े थे अभी इंश्योरेंस के लिए, उसके बाद में फ्रेट के लिए जो FOB ज़रूरत है, तो यहाँ पर FOB निकल गया ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज बाइंग कमीशन को छोड़कर और जितना कमीशन है उसको ऐड करना है। उसके बाद में पैकिंग कॉस्ट उसको ऐड करना है, लेकिन जो ड्यूरेबल और रिटर्नेबल पैकिंग है उसको ऐड नहीं करना है ठीक है। अगर ऐड हो गया तो माइनस करना होगा, अगर नहीं है तो छोड़ देना होगा। और कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड प्लान और स्केचेस अंडरटेक आउटसाइड इंडिया में अगर हुआ होगा ये सब, तो उसको ऐड करना है। रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी उसको ऐड करना है। उसे वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रिसेल इफ पेबल टू फॉरेन सप्लायर, उसके बाद वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल FOB निकल गया आज पर कस्टम्स। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ फ्रेट, अभी मैं आपको बोल चुका हूँ कॉस्ट ऑफ फ्रेट, उसके बाद शिप डिमरेजेस चार्जेस लाइटरेज और बार चार्जेस, उसके बाद में लास्ट में इंश्योरेंस ठीक है। तो इतना होने के बाद में हम लोग का CIF निकल गया ठीक है। तो इस चीज़ में होने के बाद अभी हम देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन का CMA के बुक से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, आपको पूरा देखना होगा ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 है ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू हमको निकालना है ठीक है। कॉस्ट ऑफ द मशीन ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, दैट मीन्स एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया है 10,000। उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यहाँ क्या दिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकॉल्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट, वो पोर्ट तक में अपना चाइना जो फैक्ट्री था वहाँ से पोर्ट तक जो माल आया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ऐड होगा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, शिप में लोडिंग, ये इतना ऐड करने के बाद हम लोग का क्या निकल जाएगा, FOB प्राइस ठीक है। इतना एक दो तीन ये तीन चार्जेस हमको ऐड करना होगा ठीक है। उसके बाद हम बाइंग कमीशन, हम लोग यहाँ पर अभी क्या पढ़े थे, यहाँ देखिए बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा
तो कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड होगा लेकिन बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन ऐड ऐड नहीं होगा। तो यहाँ बाइंग कमीशन पेड बाय द इम्पोर्टर, तो ये ऐड नहीं होगा। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, फ्रेट चार्जेस हम लोग देखे थे। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे कि वो वेसल है या ये है ईयर है। तो एक्सचेंज रेट तो एक ही दिया है तो इसको ले लेना 65। चलो निकलेगा, अभी देखेंगे एसेसिबल वैल्यू कितना हुआ। देखिए तो यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो दे दिया है एक्स फैक्ट्री प्राइस दे दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दिया है, हैंडलिंग चार्जेस जो शिप में माल लोड करते वक्त का चार्जेस दे दिया, एफओबी निकल गया यहाँ पर। ठीक है, बाइंग कमीशन नहीं लेना है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है इंश्योरेंस कितना लेना है, जब नहीं दिया है तो लेना पड़ेगा 1.125% ऑफ एफओबी। ठीक है, 10,550 का 1.125% लेना है, 118.6875 निकल गया। ठीक है, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, फ्रेट चार्जेस कितना एक्चुअल ले लेना है। ठीक है, गिवन दिया है, सीआईएफ वैल्यू निकल गया। सीआईएफ वैल्यू जब निकल गया तो एक किस में है, डॉलर में है, तो इसको हम इंडियन रुपी में कितना करेंगे, 65 मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10, बाय 65 कर देना है, तो टोटल निकल गया। तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेना है, 1 हो गया, अब 3 भी देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया बी एस ए एंड कंपनी लिमिटेड हैव इम्पोर्टेड ए मशीन फ्रॉम यूके, तो एक इंडिया कंपनी था वो यूके से एक मशीन लाया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो दिया है, लेकिन दिया है फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, एफओबी कॉस्ट ऑफ मशीन, एफओबी कितना दे दिया है, 10,000 यूके पाउंड। फ्रेट मैंने बाई एयर यहाँ दे दिया है, मैंने किस में आया है, वेसल या एयर में, या वेसल में या एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन में आया, एयरक्राफ्ट में आया। ठीक है, तो फ्रेट दे दिया है इतना, उसे इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग पेड टू ए फार्म इन यूके दे दिया 500 यूके पाउंड। उसके बाद में लाइसेंस फी रिलेटिंग टू इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है दे दिया 20% ऑफ एफओबी कॉस्ट। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड होगा। इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इन इंडिया, तो इतना दिया है। बाइंग कमीशन बाय द बायर टू हिज एजेंट, बाइंग कमीशन, ठीक है तो बाइंग कमीशन जाएगा या नहीं वो भी देखना है, बस इतना गया। उसके बाद में इंटर बैंक एक्सचेंज रेट नहीं लेना है, क्या लेना है, मैं शुरू से बोला था सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लेना है, एक्सचेंज रेट सीबीआईसी का लेना है, ये लेना है बस, और कुछ लेना नहीं है। तो इम्पोर्टर पेड ₹500 टूवर्ड्स डिमरेज चार्जेस, ये ऐड करना है आखिर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एफओबी वैल्यू दे दिया है 10,000, देखिए क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू 10,000 यूके पाउंड दे दिया है। तो इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस पेड इन यूके 500, लाइसेंस फी 20% ऑन एफओबी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में सब टोटल कर दिए, तो उसके बाद में इसको हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है 70.25। देखिए यह सीबीआईसी का रेट है, ठीक है। उसके बाद में ऐड मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्रीली, जो फ्रीली किया था ऐड करना है। एफ ओ बी आज पर कस्टम निकल गया है। ठीक है, एयर फ्रेट कितना लेना है, तो देखना है एयर फ्रेट जो दिया है ऐड करना है एयर फ्रेट। ठीक है, तो 20% पहला देखना है, 20% ऑन एफ ओ बी देखना है। ठीक है, 20% ऑन एफ ओ बी इतना दिया है, देखिए दोस्तों इतना एफ ओ बी इतना दिया है, ये दिया है एफ ओ बी। ठीक है, इसका 20% और एक्चुअल दिया है 3,000 यूके पाउंड में दिया है, तो इसको एक्सचेंज रेट कर लेना है, सबसे लोएस्ट जो होगा उसको ऐड करना है। जैसे कि लोएस्ट हुआ है 20% ऑन एफओबी, लोएस्ट हुआ 179,625। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस एक्चुअल ले लेना है, क्योंकि एक्चुअल दे दिया है यहाँ पर इंश्योरेंस इन इंडिया, एक्चुअल दे दिया 6,000, तो उसके बाद में जो ऐड कर देना है असेसेबल वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स। ठीक है,